हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, विज्ञान का मूल्य। आज विज्ञान ने चमत्कारी उपलब्धियों के द्वारा हमारे जीवन में मानो चार चांद लगा दिया है। पूरे संसार की तकदीर ही बदल डाला है और हमारी सुख सुविधा के अनेकों वस्तुओं का भरमार है। सचमुच आज हमारा जीवन शैली ही बदल गया है। 18वीं शताब्दी के बाद से जो मानो विज्ञान ने सचमुच चमत्कार ही कर दिया है। सच कहा जाए तो व्यवस्थित ज्ञान का ही दूसरा नाम विज्ञान है। विज्ञान एक पद्धति है जिसके द्वारा किसी विषय का अध्ययन करता है। विज्ञान के इसी विशेष पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इसी पद्धति के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप मिला है। वैज्ञानिक पद्धति शुद्ध रूप से बौद्धिक और तार्किक पद्धति है जिसके आधार पर विज्ञान किसी सामान्य नियमों की स्थापना करता है तथा विशेष घटनाओं की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करता है। आमतौर पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र इत्यादि विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति के एक विशिष्ट विभाग का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इन विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसके दूसरी ओर समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। सामाजिक विज्ञान में मानव जीवन के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। विज्ञान का महत्व इस बात से निहित है कि प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों मिलकर संपूर्ण संसार तथा हमारे सामाजिक जीवन के स्वरूप का एक बेहतर समझदारी प्रस्तुत करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है तथा कठोरता के साथ तार्किक पद्धति को अपनाता है। इसलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठ सत्यता होती है। दूसरे शब्दों में विज्ञान के निष्कर्ष सर्वमान्य रूप से सत्य तथा वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक वर्ग रहस्यात्मक अथवा आंतरिक सूझ को महत्व नहीं देते हैं। विज्ञान के तथ्यों को हर स्तर पर जांच किया जाता है। अंधविश्वास और रूढ़ियों को विज्ञान में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। विज्ञान ने
लोगों को सत्य की खोज करने की एक प्रवृत्ति प्रदान किया है, जिसमें जिसे आत्म सम्मान की भावना जागृत हुई है। विज्ञान के उदय के पहले लोग प्रायः आप्त पुरुषों के गुलामी थे। लोग बिना तर्क वितर्क के किसी बात को मान लेते थे, परंतु आज के युग में विज्ञान के प्रभाव से लोगों में स्वतंत्र चिंतन एवं तार्किक चिंतन की भावना जागृत हुई है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के प्रभाव से लोगों के अंदर से संकीर्णता की भावना दूर हुआ और लोगों ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। विज्ञान ने बहुत सारे लोगों में तटस्थ एवं निरपेक्ष चिंतन की प्रवृत्ति पैदा की। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विज्ञान विश्व के रहस्यों का उद्घाटन कर सत्य के संबंध में निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी।